बजट में घोषणाएं 2019-20 से लगातार की जा रही है, पर माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी से एक ही विधायक होने के बाद में भी सिवाना की उपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं इस बजट में कहूंगा कि पूरे जिले में हर विधानसभा में एक रोड की घोषणा की है, पर सिवाना को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। ये मैं बिंदु संख्या एक एक गिनकर कहूं तो हर बजट में इन्होंने घोषणा की है, चाहे नंदी गौशाला हो, ग्रामीण गौरव पथ की जगह विकास पथ हो, कर्ज माफी हो, परंतु कोई क्रियान्वित नहीं होना ये सरकार के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विराज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से लगाकर कॉलेजों से लगाकर, माने अभी सदस्य कह रहे थे कि कॉलेजों की इतनी घोषणा कर दी अपार हो गई, अच्छी है, प्रदेश के लिए घोषणाएं होना अच्छा है, पर जब तक शिक्षा का तंत्र कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं हो गए, हमारे बाड़मेर जैसलमेर की स्कूलें कोई शहर के नजदीक नहीं कह सकता, जहां स्टाफ 20 का होना चाहिए वहां 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। बालोतरा से लगाकर, गुड़ामालानी से लगाकर, सिवाना से लगाकर एक प्रोफेसर द्वारा 8-8 कॉलेज चलाई जा रही है, वो बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे, कैसे राजस्थान का नाम रोशन करेंगे, या आगे कैसे बढ़ेंगे। सिक्की साहब, मैं आपने देखा होगा कि हमने हॉस्पिटल खोल दिए, इतने ज्यादा खोल दिए, मैंने एक भी जगह स्टाफ की जो कमी है उसको दूर अपन कैसे करेंगे, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कर्जा माफी के नाम पे आपने 2 तरीके का रोड मैप अपना कर कर्जा न तो माफ हुआ, सोसाइटी में जिस व्यक्ति को 1-1.5 लाख रुपया मिल रहा था उसको 50,000 कर दिया, और कई व्यक्तियों को वंचित कर दिया कि ओवर ड्राफ्ट हो गया, इस वजह से आपको लोन भी नहीं मिलेगा। ये हमारे नंदी गौशाला के ये राजस्थान के चेयरमैन बैठे, ये बता दे बाड़मेर जिले में हर पंचायत समिति या कहां कहां खुल गया है नंदी गौशाले। अब मोरी नीत नहीं है आप, ये सरकार की ड्यूटी है। मेरा कहने का कारण ये है, आपने किसानों के साथ में भी सलावा किया, आपस में वार्ता नहीं, कि हम आवारा पशुओं के लिए तारबंदी, हम आपको ऑनलाइन आवेदन करो, हजारों किसानों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, एक को भी सब्सिडी के मात्रा में 1 नया पैसा भी तारबंदी के लिए नहीं मिला है। मैं यहां तक कहूंगा आपको, पैरा संख्या 21-22 में 100 क्षेत्र में पोकण फलसूण पेयजल जैसी, माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ मंत्री विराजे, चिकित्सा और शिक्षा मंत्री, मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं कि पोकरण फलसूण योजना से सिवाना से लगाकर, बालोतरा से लगाकर, सिंदरी से लगाकर सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि इस सर्दियों में 2-2 महीने तक पानी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति हो गई है। और 100 क्षेत्र पैरा में 580 करोड़ का प्रावधान किया मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, आज दिन तक उसमें कुछ नहीं हुआ। रिफाइनरी को पानी जो कि उस प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है, और उस रिफाइनरी को पानी दे रहे और चोरी करके वो पानी जा रहा बिना पैसे, और पीने के लिए पशुधन और मानव जीवन के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। मेरे सिंदरी से लगाकर मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं, इतने गांव पानी से वंचित है, उनके लिए आज की तारीख में 2-2 महीने में और 25 से 30 किलोमीटर तक पानी नहीं मिल रहा है। मतलब सिंदरी के अंदर नाकोड़ा, डंडाली, भूका, भगत सिंह, कमताई, धनिया की ढाणी, अब होगा अभी आपके 40 मिनट भी तो होने, 5 मिनट माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट के लिए मेरी डिमांड है, वो तो रखने दें। पेयजल की
उम्मीद रखता हूं कि ये पेयजल करें। एक रोड जो है सिंदरी खारापाटा से लगाकर 325 तक मिटुड़ा होती हुई वो रोड करावे, शिवड़ा समुदाय अस्पताल को उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नत करे, समदड़ी समिति मुख्यालय पर महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय की मांग, मुख्यमंत्री मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता और भाखड़ा बेल्ट में एनीकट से लगाकर पीने के लिए पानी, हमारा जो सशक्त एरिया था सभापति महोदय, 400 बीघा में खेती, हर किसान 100 बीघा में खेती करता था, पर आज पानी नहीं है, इसीलिए पीने के लिए तरस रहे हैं। और ये मेरी जो मांग है ये लिखा हुआ है तो इसको टेबल कर दूं सभापति महोदय। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।